हेलो। इस चैप्टर में हम आज इस पार्ट में लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में थोड़ा सा अपन डिफरेंशिएट करेंगे कि लैमिनर फ्लो क्या है और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। तो यहां पर डेफिनेशन पे अपन देखें, लैमिनर फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन ऑफ ए मोशन ऑफ द फ्लूइड इन लेयर्स और लैमिनार्स पैरेलल टू बाउंड्री सरफेस। तो जो लैमिनर फ्लो है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन ऑफ द फ्लूइड इन लेयर्स। लेयर्स में यदि मोशन हो रहा है, स्मूथ मोशन हो रहा है लेयर्स में, देन इट इज कॉल्ड एज लैमिनर फ्लो। तो ये होता है, इट इज अ वेरी स्मूथ रेगुलर फ्लो इन लेयर्स। तो यहां पर यदि अपन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स की बात करें, तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि यहां पर ये लेयर्स में ये आपके फ्लो हो रहा है, ये यू वेलोसिटी, और ये दो प्लेट्स हैं तो उन पे नो स्लिप कंडीशन जब वो चिपका हुआ है जहां से, तो लैमिनर फ्लो को विस्कस फ्लो भी कहते हैं। तो यहां पर यू की वैल्यू जीरो और यहां यू की वैल्यू जीरो। किस केस में? बिटवीन टू पैरेलल प्लेट में यदि फ्लो हो रहा है, दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई है, एक के बाजू में एक दो पैरेलल प्लेट्स है, उनके बीच में यदि फ्लो हो रहा है तो वो लैमिनर फ्लो इस टाइप से आएगा। और यदि यही लैमिनर फ्लो आपके पाइप के बीच में पाइप में होगा, तो पाइप के केस में ये इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स के रूप में, लेयर्स के रूप में ये फ्लो होगा। तो यहां पर ये बीच में वेलोसिटी यू मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी घटती जाएगी और यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपके यहां पर सरफेस पे, जो कि वाटर जो इससे अधेर करा चिपका हुआ है जो इससे। तो लैमिनर फ्लो थ्रू अ राउंड पाइप या राउंड ट्यूब। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसमें? इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर नो स्लिप कंडीशन एट बाउंड्री, बाउंड्री पे जो है वो नो स्लिप कंडीशन रहेगी। नो स्लिप कंडीशन मतलब वहां पर वेलोसिटी विल बी जीरो एट द बाउंड्री। जैसे कि इस केस में अपन देखें तो यहां पर बाउंड्री पे, यहां पर ये इसकी वेलोसिटी जीरो, यहां वेलोसिटी जीरो। दूसरा, देयर इज अ शेयर बिटवीन फ्लूइड सरफेस फ्लूइड लेयर्स। तो जो फ्लूइड लेयर्स के बीच में, क्योंकि विस्कस फ्लो है, लैमिनर फ्लो इज अ विस्कस फ्लो, देयरफॉर जो उसकी इक्वेशन किससे गवर्न करेगी, म्यू टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाय डी टी। शेयर बिटवीन टू फ्लूइड जो लेयर्स हैं उसके बीच में जो भी आपका शेयर स्ट्रेस है, दैट विल बी म्यू डी यू बाय डी वाई। अब चूंकि इसके कारण आपका फ्लूइड के बीच में आपके रेजिस्टेंस होगा, इस कारण क्या होगा, हीट एनर्जी विल बी डिसिपेटेड, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी फॉर मेंटेनिंग द फ्लो। यदि आप विस्कस फ्लो होगा तो उन दोनों के बीच में वो उसको रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करने के लिए क्या होगा, उसकी जो एनर्जी, जिस एनर्जी से आपका फ्लूइड आ रहा है उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो देयर इज अ कंटिन्यूअस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड फॉर मेंटेनिंग द फ्लो एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड एक्सटर्नली। तो उसके लिए आपको एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। फिर अपन देखें, लॉस ऑफ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की पावर वन पे एनर्जी लॉस डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, और विस्कोसिटी की फर्स्ट पावर पे भी ये प्रोपोर्शनल है। क्या? लॉस ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ वेलोसिटी एंड फर्स्ट पावर ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की पावर मतलब वन फर्स्ट पावर, और वेलोसिटी की पावर वन, उस पर यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या? लॉस ऑफ एनर्जी। फिर अगला अपन देखें, ये बोलता है कि नो मिक्सिंग बिटवीन डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स। जो फ्लूइड लेयर्स है उनके बीच में कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, एक्सेप्ट बाय मॉलिक्यूलर मोशन। जो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है उसके कारण अपन थोड़ा बहुत यहां पर आपका मिक्सिंग होगी। अब दूसरा अपन केस देखें टर्बुलेंट फ्लो का। तो इन अ टर्बुलेंट फ्लो द फ्लूइड मोशन इज इररेगुलर एंड कैओटिक। जो टर्बुलेंट फ्लो है उसके अंदर फ्लूइड मोशन है इररेगुलर और कैओटिक, अव्यवस्था, अस्त व्यस्त तरीके से उसमें फ्लूइड मोशन हो रहा है, जिगजैग मोशन टाइप से हो रहा है। देयर इज कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्लूइड मासेस विद वन अनदर। तो जो फ्लूइड है उसके बीच में मिक्सिंग हो रही है, कोलिजन हो रहा है और उसके एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग हो रही है। देयर इज ए कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्लूइड मासेस विद वन अनदर। द फ्लूइड मासेस आर इंटरचेंज्ड बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। आजू बाजू की लेयर्स के बीच में फ्लूइड का पूरी तरीके से, फ्लूइड मास का पूरी तरीके से आपके एक्सचेंज इंटरचेंज हो रहे हैं। अगला, एज द फ्लूइड मासेस इन एडजेसेंट लेयर्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, इंटरचेंज ऑफ फ्लूइड मासेस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स इज अकम्पनीड बाय ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। अब चूंकि वहां पर आपके लेयर्स के बीच में
एडजेसेंट लेयर्स आजू बाजू के लेयर्स के बीच में फ्लूइड मासेस का इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए वहां पर क्या होगा, देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, उसके कारण वहां पर मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। मोमेंटम क्या, एम इंटू वी, क्योंकि वी है वहां पर, एम इंटू वी मोमेंटम का वहां पर एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ में ट्रांसफर होगा, क्योंकि उसके बीच में दोनों के बीच में इंटरचेंज हो रहा है। विच कॉजेस एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस ऑफ हाई मैग्नीट्यूड बिटवीन द एडजेस्टेड लेयर, जिसके कारण आपके हाई लेवल ऑफ क्या होगा, आपका शेयर स्ट्रेसेस बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। अगला, द शेयर इन टर्बुलेंट फ्लो इज मेनली ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर, तो जो शेयर है इन द टर्बुलेंट फ्लो इज मेनली ड्यू टू द मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर के ही कारण मेनली जो आपका शेयर होगा टर्बुलेंट फ्लो में, शेयर जो दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो शेयर हो रहा है, दैट विल बी मेनली ड्यू टू द मोमेंटम ट्रांसफर। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी टू टोटल शेयर इज वेरी स्मॉल, टोटल जो जो आपके फ्लूइड विस्कोसिटी का, फ्लूइड विस्कोसिटी जो है उसके कारण जो है आपका जो शेयर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम रहेगा। थैंक यू।